आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने वन प्लस फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं और ओपन करने पर यहाँ पे आता है ये ट्राई अगेन, तो वन प्लस फ़ोन में प्ले स्टोर में ये ट्राई अगेन प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप यहाँ से बाहर आइए और अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा, तो ये एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। ऊपर अभी डेट एंड टाइम आएगा, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। सेट टाइम ऑटोमेटिकली आएगा, अगर आपके फ़ोन में ये बंद है तो ये ऑन करिए। सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑन होने के बाद बैक आइए। बैक आने पर अब सेटिंग में ऊपर आइए, ऊपर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो इस पर क्लिक करिए, इसे ओपन करिए। ये ओपन होने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप नीचे आइए और नीचे आएंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर आएगा, तो ये प्ले स्टोर पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये फोर्स स्टॉप करिए, नीचे इस पर क्लिक करिए फोर्स स्टॉप, और इसके नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। क्लियर कैशे करिए, ऊपर ये क्लियर डेटा आएगा, इस पर क्लिक करिए। डिलीट या फिर ओके करिए, तो ये करने से कोई डेटा डिलीट या फिर कुछ आपके फ़ोन से ऐप डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पर बैक आइए, अब ये डेटा यूसेज पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई दोनों ऑन हैं, तो इन दोनों को बंद करिए। ये दोनों बंद होने के बाद बैक आइए। बैक आने पर अब ये गूगल प्ले सर्विसेज पे क्लिक करिए, फोर्स स्टॉप करिए, नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए, और यहाँ पे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। नीचे क्लियर कैशे करिए, ऊपर मैनेज स्पेस पे क्लिक करिए, और नीचे आकर क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से भी कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है, तो ये डिलीट पे क्लिक करिए। और ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और अब अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए, और अब यहाँ पे ट्राई अगेन नहीं आ रहा है, प्ले स्टोर ओपन हो गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।